तो भैया इंतजार हुआ खत्म और पांडा माउस प्रो को एक्टिवेट करना हुआ आसान। अब आपको अपने पांडा माउस प्रो ऐप को एक्टिवेट करने के लिए ना ही किसी पीसी की जरूरत है, ना ही किसी दूसरे मोबाइल की, ना ही पांडा एक्टिवेटर की, और ना ही आपको जरूरत है अपने फोन को रूट करने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अब आपको इन सब में से किसी की भी जरूरत नहीं है। आप पांडा माउस प्रो ऐप को सिर्फ एक सिंगल मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो भैया, जैसे कि मैं आपको बताते चला आया हूँ अपने वीडियोस में कि आपके लिए मैं एक ट्रिक लाने वाला हूँ जिससे आप पांडा माउस प्रो को सिर्फ अपने सिंगल मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो लो भैया आज मैं आपके लिए ये ट्रिक ले आया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं आपको दोस्तों कि इस वीडियो को आपको एक एक स्टेप देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है और स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका मिस हो जाएगा स्टेप और आपका बाद में एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर आप मेरे से कमेंट में पूछोगे कि भैया ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, कैसे करें। तो वो सारा चीज़ अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ सीक्वेंस से है, एक के बाद एक आपको करनी है। अगर आपने कुछ भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका एक फ़ोन तो है ही जिसमें आपका पांडा माउस प्रो एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वाईफाई की। तो वाईफाई, जैसे मेरा एक वाईफाई कनेक्टेड है विवेक, तो आपके पास एक वाईफाई होना चाहिए जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाओ। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, आप एक दूसरा मोबाइल लें, उसका हॉटस्पॉट ऑन करें, आप उसके हॉटस्पॉट को इसमें एज ए वाईफाई कनेक्ट कर दें, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है रिमोट एडीबी सेल। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिमोट एडीबी सेल, ये एक एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए इसे फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। तो भैया ये हो गया इंस्टॉल, उसके बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे साइड में कर लें, कुछ देर बाद हम इसको यूज़ करेंगे, मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये सारे मोबाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन मोबाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनके डेवलपर ऑप्शन में एक स्पेसिफिक सेटिंग नहीं है। तो मैं बता दूं वो सेटिंग कौन सी है जिससे आप पता कर सकें कि आपके फ़ोन में ये ट्रिक चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसके पहले सबसे पहले बताता हूँ आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन एनेबल करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर बिल्ड नंबर को 7 टाइम टैप करना है और आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो चलिए वो भी फटाफट कर लेते हैं। योर नाउ डेवलपर आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया तो आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे पीछे जाएंगे सिस्टम्स के अंदर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, और जो रियलमी के फ़ोन है और किसी और फ़ोन में तो अलग अलग जगह मिलेगा। रियलमी के फ़ोन में आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, और बाकी दूसरे फ़ोन में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, आप नीचे जाएंगे तो अब मैं बता दूँ कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में ये ट्रिक चलेगी कि नहीं चलेगी। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे दो सेटिंग दिखेगी, एक यूएसबी डिबगिंग की दिखेगी और नीचे आपको देखेंगे एक वायरलेस एडीबी डिबगिंग। जी हाँ दोस्तों, जिन फोन्स में आपका ये वायरलेस एडीबी सेटिंग है डेवलपर ऑप्शन के अंदर, उसी फोन्स में ये ट्रिक चलेगी। तो जल्दी फटाफट आप देख लीजिए आपके फ़ोन में ये सेटिंग है कि नहीं है, और उसी हिसाब से आप आगे की ट्रिक यूज़ करिए। तो उसके बाद फटाफट मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये दोनों सेटिंग ऑफ होनी चाहिए, अगर आपकी ये यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो उसे ऑफ कर लें, सेम स्टेट में ले आएँ। उसके बाद सबसे पहले आपको वायरलेस डिबगिंग ऑन करनी है, उसके बाद आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है, उसके बाद ही ओके वाला पॉपअप दबाना है। ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको बेसिकली अपने वाईफाई में जाना है, जैसे कि आप देखें ये मेरा वाईफाई है, इसको लॉन्ग प्रेस करके आपको वाईफाई वाली सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे वाईफाई वाली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सेटिंग्स के अंदर से जा सकते हैं। जैसे कि सेटिंग्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे वाईफाई, या वो वाईफाई सर्च करेंगे तो वाईफाई सेटिंग्स आ जाएगी, और वहाँ पर जो आपका कनेक्टेड होगा बेसिकली उसके अंदर उस क्लिक कर देंगे तो उसके अंदर आप चले जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर आप चले जाएंगे, आपको एडवांस में जाना है, आपको आईपी चाहिए आपके मोबाइल का। बेसिकली जो जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल को एक आईपी असाइन हो जाती है, ये लोकल आईपी है दोस्तों, ये कोई इंटरनेट की आईपी नहीं है,
ये लोकल वाईफाई की आईपी है, तो ये जब भी आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो ये बदल भी सकती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं मेरा 192.168.0.101 है, ये हो सकता है कि बदल जाए 102.103.104, ऐसा हो सकती है। ठीक है, तो आप एक बार कनेक्ट करें, आप देखें आपकी आईपी क्या है। जितने डिवाइस वाईफाई में कनेक्टेड होंगे उसी हिसाब से आईपी असाइन होती है। तो जैसे कि आपने देखा मेरा ये आईपी है, तो ये आईपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं रिमोट एडीबी शेल वाला एप्लीकेशन। ये देखिए, अब इसमें आपको ये वाली आईपी डालनी है जो अभी अभी हमने निकाली। तो जैसे कि मैंने बताया मेरी आईपी क्या है, आपने देखा 192.168.0.101। तो मैं ये फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये टाइप कर लिया। बस हमें यही चाहिए, वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद वाईफाई का आईपी चाहिए और ये इस एप्लीकेशन में हमको इसको डाल देना है। और जो मैंने सेटिंग बताई है, सेटिंग्स में वायरलेस डीबगिंग और प्लस यूएसबी डीबगिंग, वो दोनों ऑन होनी चाहिए। जो सीक्वेंस बताया मैंने, पहले वायरलेस डीबगिंग उसके बाद यूएसबी डीबगिंग, ऐसे ही ऑन करना है। उसके बाद आप इसे कनेक्ट कर दें। यहाँ पे आपको ये पॉपअप आएगा अलाउ यूएसबी डीबगिंग का, तो यहाँ पे आप ऑलवेज पे क्लिक करके अलाउ कर दें। ये हो गया कनेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट चलानी है। स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कॉपी करके चला सकते हैं। अगर वहाँ से आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ पे ओपन करके क्रोम में ओपन हो जाएगी, वहाँ से उसे कॉपी करके आप उसे चला सकते हैं सिंपली। तो चलिए फटाफट वो स्क्रिप्ट क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये है स्क्रिप्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं sh space sd card और ये फिर लास्ट में inject.sh, ये आपकी फाइल है। ये आपको स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करनी है, तो आप नीचे से उठा के टाइप कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बस सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, बस ये टाइप करके आपको यहाँ पे ओके वाली बटन दबानी है और उसके बाद आप देखेंगे ये कमांड आपकी चलने लग जाएगी। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आ गया फाइल एग्जिस्ट और ये कमांड चल चुकी है। अब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करें पांडा माउस प्रो और यहाँ पे देखें जादू हो गया दोस्तों, एक्टिवेट हो गया। यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही आपको पीसी की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको दूसरे मोबाइल की, ना ही पांडा एक्टिवेटर की, और आपका आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि आप हमेशा पीसी में एक्टिवेट करते थे, निकालने पे आपका कभी कभी डीएक्टिवेट हो जाता था, अनप्लग करने पे दो मोबाइल से एक्टिवेट करते थे, अनप्लग करने पे डीएक्टिवेट हो जाता था, अब इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि आपको प्लग एंड प्लग करना ही नहीं है। आपको सिंपल सा इसी मोबाइल से आपने स्क्रिप्ट चलाया और आपका एक्टिवेट हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तो आपको इनमें से कोई भी सेटिंग ऑफ नहीं करनी है, ना ही आपको यूएसबी डीबगिंग ऑफ करनी है, ना ही आपको वायरलेस डीबगिंग ऑफ करनी है और ना ही आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 है तो उसमें जो वायरलेस एडीबी डीबगिंग की सेटिंग होती है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। उसमें कुछ पासवर्ड आता है और उसके हिसाब से फिर उसको करना पड़ता है, तो उसमें शायद ये ट्रिक काम ना करे। एक बार आप यूज़ करके देख सकते हैं, अगर नहीं काम करेगी तो जब मेरे पास एंड्रॉयड 11 आएगा तो मैं आपके लिए बता दूंगा कि कौन सा ऐप यूज़ करें और कैसे उसको एक्टिवेट करें एंड्रॉयड 11 वाले, क्योंकि स्विच ऑफ करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से आप सिंपली एक क्लिक में एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने स्विच ऑफ भी कर दिया तब भी आप फटाफट क्लिक करें और एक्टिवेट कर लें और अपने फेवरेट गेम जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, पबजी मोबाइल, स्टैंड ऑफ टू और गेंसिन इंपैक्ट को इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। तो भैया जिन लोगों के फ़ोन में ये स्पेशल सेटिंग नहीं है वायरलेस एडीबी डीबगिंग की, उनके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि आप उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं जैसे कि पीसी से मोबाइल टू मोबाइल एक्टिवेट करने का, और साथ ही साथ अगर आपका प्लग अनप्लग करने पे डीएक्टिवेट हो जाए तो भी, वो भी वीडियो बना रखा है और काफ़ी वीडियो मैं इन फ्यूचर लाने भी वाला हूँ। तो आप दुखी मत होइए दोस्तों, मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगा और आप भी एक्टिवेट कर पाएंगे और आप भी अपने फेवरेट गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, पबजी मोबाइल को कीबोर्ड और माउस से इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद मैं कोई गेम ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन एक्टिवेशन है। जैसे कि मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए सिंपली कॉल ऑफ ड्यूटी आपका ओपन हो गया। यहाँ पे आप जब देखेंगे पांडा माउस प्रो का आपका ऊपर ओवरले भी आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे उसकी आपको की मैपिंग भी सारी दिख रही है, ये देख रहे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन हुआ है, यानी कि सिंपली डायरेक्ट ओपन हुआ है आपका, डायरेक्ट ऐप ओपन हुआ है, क्लोनिंग से ओपन नहीं हुआ है, यानी कि बैन के भी कोई चांसेस नहीं है, यानी कि हाँ जेन्युइन एक्टिवेशन है दोस्तों, डायरेक्ट ओपन हो रहा है और आपका पांडा माउस प्रो का ओवरले भी आ रहा है।
और उसके बाद आप देखें की मैपिंग के लिए, तो इसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे की मैपिंग का वीडियो बना रखा है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी का, पबजी मोबाइल का और फ्री फायर का, कैसे कीबोर्ड से खेलना है, पांडा माउस प्रो से कैसे खेलना है, तो आप वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन पे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के आगे का प्रोसेस जो करना है वो आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, आपको एक्टिवेशन दिखाना था और जेन्युइन है तो मैंने ये दिखा दिया आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ट्रिक वाले अगर वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका हर एक क्वेरीज का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, तो ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।